किस विषय को लेकर आज आप लोग चेतावनी रैली निकाले? आज संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के द्वारा, खेत मजदूर संगठन के द्वारा, जो 4 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने समझौता किया था ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान, उन समझौतों को लागू करने के लिए जो आज श्रम कानून पर हमला हो रहा है, जो 4 लेबर कोड है उसको लाया जा रहा है, वर्षों से संघर्ष करके मजदूरों ने जो अपना अधिकार हासिल किया था उस पर जो कुटाराघात हो रहा है, उन मांगों को लेकर के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सभी फसलों का खरीद की गारंटी का उन्होंने कहा था जो कमेटी बना करके किया जाएगा, लेकिन आज तक उस पर सरकार ने विचार नहीं किया। 14 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को माफ़ कर दिया सरकार ने, लेकिन किसानों का जो हीन माफी का सरकार ने वादा किया था उस पर कोई पहल नहीं की गई। सरकार ने बिजली को निजी क्षेत्र में देने से पहले इस पर पुनर्विचार करके देश के उपभोक्ताओं से बातचीत करके, लेकिन पुनः वो बिजली विधेयक ला करके और इस बिजली को भी वो निजीकरण करना चाहती है, जिस प्रकार रेल को, भेल को, सेल को, BSNL को, देश के तमाम सार्वजनिक उपक्रम को सरकार बेच दिया, बिजली को भी इसी तरीके से अडानी के हाथ में सरकार सौंपने की योजना बना रही है। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरे बिहार और पूरे देश के अंतर्गत किसानों का, मजदूरों का, आम गरीबों का जो उसका खून चूसना चाहती है वो स्मार्ट मीटर सरकार बंद करे। 200 यूनिट बिजली किसानों को, गरीबों को और जो मेहनत कश लोग हैं उसको फ्री में सरकार ने जो वादा किया था उसको लागू करे। आज खेती का मौसम है लेकिन सारे जगह में किसान आज DAP के लिए घूम रहे हैं, उसको DAP खाद नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा जो DAP खाद का सही समय पर उपलब्ध किया जाना था बिहार को, उसके आवंटन के मुताबिक वो नहीं किया गया, तो हम आज ये तमाम सवाल को लेकर के जो सरकार ने तय किया हाई मूल्य, एक तो वो बहुत कम है, उस पर भी बिहार में कहीं पर भी खरीद की नहीं की जा रही है। सरकार ने कहा जो पैक्स का चुनाव का हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, किसान आज पौने पौने दाम में अपने धान को बेच रहे हैं, लेकिन उसके क्रय केंद्र के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन को करना चाहिए, बिहार सरकार को करना चाहिए, वो नहीं करने के कारण आज बिचौलिया उसके फसल का लूट कर रहे हैं। अविलंब जिला प्रशासन किसानों से जो धान तैयार है उसको खरीद की व्यवस्था करे, ये भी हमारा डिमांड है। साथ साथ जो इस इलाके का बड़ा सवाल बाढ़, सूखा और जल जमाव का स्थायी समाधान का सवाल है, इन मांगों को भी आज प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार को राष्ट्रपति के नाम से। क्या नाम हो आपका? जी विनोद कुमार, बिहार राज्य किसान सभा। बताइए किस विषय को लेकर आज चेतावनी रैली निकाले आप लोग? आज ये जो चेतावनी रैली है ये राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पे किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार, केंद्र की सरकार जो है 4 लेबर कोड लागू कर रही है। जिस 4 लेबर कोड को लागू होते हुए जिस दिन लागू होगा इस देश में, उस दिन मजदूरों के लिए हित में बना हुआ जितना भी कानून है सारे कानून खत्म हो जाएंगे, और मजदूरों को जो 8 घंटे का काम का अधिकार है उसे 12 घंटा भी ये केंद्र की सरकार कर रही है। इन सभी मांगों को लेकर हम केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान सभा के लोग सब हम आज यहाँ पर चेतावनी। क्या नाम हो आपका? प्रभुलाल दास, एटक, जिला मंत्री सहरसा।